अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोडक्ट का हम रिव्यू लेकर आए हैं, वो है हमारे पास शाओमी का 10,000 mAh वाला पावर बैंक, जिसे हम पावर बैंक 3 भी कहते हैं। ये शाओमी का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, शाओमी के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की पहचान उसके बारकोड से होती है। तो बारकोड जो है वो आपको लाजमी देखना चाहिए कि बारकोड इसके पीछे लगा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर आपको स्क्रैच करना पड़ेगा ये कोड, और ये कोड आपको इसकी वेबसाइट पर जाके मैंशन करना पड़ेगा, और साथ ही आपको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल है या नहीं। तो चलें हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये जैसे कि मैंने पहले ही खोला हुआ है, तो क्योंकि मैंने जारी बात है ये पुराना है, मतलब कि उसको एक माह हो गया लिए कि मुझे, तो ये इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ ताकि जिसने भी ये लेना है तो उसको मतलब पता हो कि बॉक्स में से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। और तो बॉक्स खोलते ही हमें साथ मिल जाती है इसकी माइक्रो यूएसबी केबल, जो इसकी चार्जिंग के लिए यूज़ हो सकती है, हम इसको चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ इसमें एक है बुकलेट जो कि चाइनीज़ में लिखी है। अगर इसको चाइनीज़ समझ आती है तो वो ज़रूर पढ़े, नहीं समझ आती तो इसको फेंक दो। तो बॉक्स के अंदर और हमें मिलता है ऑब्वियसली पावर बैंक, एक शाइनी सा सिल्वर मेटैलिक कलर का पावर बैंक मिलता है। बॉक्स साइड पे कर लेते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही था। जो चीज़ें मेन इसमें मिलती हैं वो हमें मिलता है एक अदद पावर बैंक ऑब्वियसली, और साथ में इसकी माइक्रो यूएसबी की केबल। केबल की क्वालिटी भी अच्छी है, बुरी नहीं है, और दो पोर्ट्स हैं, और एक इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है, एक इसके अंदर माइक्रो यूएसबी की पोर्ट है, और साथ पावर इसका बटन है। जो इसकी आउटपुट 1 है ये हमें रिटेट है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो, ऑब्वियसली आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके अंदर जो पावर 1 है यानी आउटपुट 1 इसकी, वो 5.1 वोल्ट और 2.4 एम्पेयर आपको प्रोवाइड करेगी। जो आउटपुट 2 इसकी पोर्ट है वो आपको 12 वोल्ट यानी 1.5 एम्पेयर प्रोवाइड करेगी। तो बहरहाल कंक्लूजन ये है कि आपको एक बहुत अच्छा इसमें से जूस मिलेगा। जैसे कि अगर मेरे पास आईफोन 7 प्लस है तो उसको मैं तकरीबन 2 से 3 बार चार्ज कर सकता हूँ। जो इस पावर बैंक के अंदर बैटरी लगी हुई है उसे हम लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी कहते हैं, जो कि अपनी एक बैटरी के टाइप में सबसे उम्दा क्वालिटी की बैटरी होती है। और अगर आपके पास आईफोन 7 प्लस, जैसे मेरे पास आईफोन 7 प्लस है, तो मैं उससे आराम से फ़ोन को अपने 3 से 4 बार चार्ज कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई हाई कैपेसिटी का फ़ोन है, जैसे 5000 mAh का या फिर 3500 mAh का, तो उसके लिए ये आपको 1 से 1.5 बार तो चार्ज कर ही देगा। इसका देख सकते हैं बहुत स्लिम साइज़ है इसका, और इसको आप इजीली हाथ में कैरी कर सकते हैं, इसको आप पॉकेट में रख सकते हैं, और मतलब इसका वेट भी कुछ भी नहीं, इसका वेट बहुत लाइट वेट है ये, तो मतलब आपको किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। ऑब्वियसली एक पावर बैंक, अच्छे पावर बैंक होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई प्रोटेक्शंस दी हों उन्होंने। तो शाओमी ने बहुत अच्छा काम किया है इस पावर बैंक के अंदर, 3 से 4 किस्म की उन्होंने प्रोटेक्शंस दी हैं, जो कि आपको इस चीज़ की इंश्योरिटी दिलवाती हैं कि आपका पावर बैंक एक्सप्लोर नहीं होगा या कोई मसला नहीं करेगा आपके, अगर आप इसको कहीं कैरी कर रहे हैं। सबसे पहली जो इसकी मिलती है वो आपको मिलती है टेम्परेचर प्रोटेक्शन, तो दूसरी मिलती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, थर्ड मिलती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और ओवर करंट प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको। यानी ये किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा इसके अंदर यूज़ करने के। और चलिए हम आप देखते हैं, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है। इसको जब ऑन होगा, इसकी जो 4 इंडिकेटर लाइट्स हैं, शायद आपको नज़र आ रही हो स्क्रीन पे, तो ये 4 इंडिकेटर लाइट्स हैं, जब ये ऑन होगा तो ये ब्लिंक करती हैं, जब चार्ज कर तब ये ब्लिंक करती हैं। एक माइक्रो यूएसबी जो केबल है और टाइप सी, अगर आपके पास टाइप सी फ़ोन है, और अच्छी बात ये है कि इसको आप माइक्रो यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हैं, और इसको आप टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हैं। पावर बैंक की जो एक मिथ है वो ये कि 10,000 mAh की पावर बैंक ली है आपने तो आपका, अगर 2,000 mAh का फोन बैटरी का फ़ोन है तो आप उम्मीद रख रहे होंगे कि 5 बार तो वो चार्ज करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्यों? क्योंकि 10,000 mAh जो लिखी होती है वो पावर बैंक की एक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती।
इसकी एफिशिएंसी रेशियो डिफर करती है। जैसे हमारे पास एंकर के पावर बैंक्स हैं, हमारे पास सैमसंग के पावर बैंक्स हैं, हमारे पास और मुख्तलिफ कंपनीज के पावर बैंक्स हैं, उनकी हर एक की एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो वेरी करती है। इसी तरह शाओमी की वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है 5500 mAh की रेटेड कैपेसिटी लिखी हुई है, यानी कि ये आपके फ़ोन को एक से दो बार चार्ज करेगी। अगर वो आपका फ़ोन तकरीबन 3000 mAh का है तो दो बार चार्ज कर जाएगी या डेढ़ बार चार्ज कर देगी। तो और ये इसको अगर चार्ज करें हम इससे माइक्रो USB से, इसकी अपनी केबल से, तो ये तकरीबन 6 से 7 घंटे लेती है चार्ज होने में। और अगर आप इसको किसी फास्ट चार्जर चार्ज करते हैं तो ये जल्दी हो जाएगी चार्ज। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये मैंने लाहौर से फी सेंटर से लिया था, और अगर आप Xiaomi की वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिले नज़र आएगा, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट से लेने की, जबकि आप इसको चीप में खरीद सकते हैं। तो मैंने ये लिया था 1900 rupees का, 1900 rupees का, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की थी, मुझे थोड़ी सी बार्गेनिंग करना शौक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1900 rupees की इनवॉइस है। लेकिन ये वो मुझे एक्सपेंसिव 2500 की दे रहा था, तो मैंने उससे थोड़ा सा बार्गेन की और तो उसने 1900 rupees की मुझे दे दी। लेकिन अगर आप जाएंगे मार्केट में, क्या पता आपको इससे भी सस्ती मिल जाए, या आपको थोड़ी सी 100-200 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन चीज़ 100% ओके है मेरी तरफ से। तो इसको मैं 2 माह से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो बेहतरीन पसंद आई है ये। चले आए अब देखते हैं कि प्रोडक्ट असल है या फिर चाइना की फेक कॉपी है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। तो बाकी मैं आपको लाइक शेयर कर नहीं बोलूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक ना करना यार। ओके, हाफिज़।